नमस्कार, आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज और मैं हूं रवि आपके साथ। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी। 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक आपको पेनल्टी के तौर पर यानी जुर्माने के तौर पर भरना पड़ सकता है। जी हां, मैं हूं रवि श्रीवास्तव और अगले 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अपने 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के जुर्माने को आप बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बचाने की आखिरी तारीख आज ही है, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड को मर्ज करने की जो अंतिम तिथि है वो आज ही है। आज 31 मार्च है और यही वजह है कि अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया और आज कोताही या लापरवाही बरती तो कल आपकी जेब पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और 1,000 रुपये से जुर्माना 10,000 या उससे ऊपर तक का भी लग सकता है। तो क्या है खबर और कैसे अपने पैसों का बचा सकते हैं, फटाफट समझिए। देखिए, अभी लोकसभा में एक कानून आया, एक विधेयक आया जो बजट में आया, उसके मुताबिक अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने कई तारीखें दी और 31 मार्च आखिरी तारीख है। आपका जो पैन कार्ड है उसे आपको आधार कार्ड से लिंक कराना है। लिंक कैसे होगा अब आप वो समझिए। लिंक दो तरीकों से हो सकता है, या तो आप ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन के थ्रू इस लिंक को कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड की जो डिटेल है वो पैन कार्ड के साथ साझा करके अपने जुर्माने को बचा सकते हैं। और दूसरा सबसे आसान तरीका, अगर आप लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, आप रजिस्टर नहीं करना चाहते, आपको शॉर्ट का कोई आइडिया चाहिए, वो भी हम आपके लिए लेके आए हैं। मेरे पास जो डिटेल है उसके मुताबिक नंबर नोट कीजिएगा 5677678। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5677678 या फिर 56161। ये जो दो नंबर हैं यानी 5677678 और 56161, ये जो दो नंबर हैं इनमें किसी भी एक नंबर पर आपको अपने आधार कार्ड, उसके बाद स्पेस देके अपने पैन कार्ड का नंबर भेज देना है, वो अपने आप लिंक हो जाएगा। चाहे आप आधार कार्ड का नंबर, मान लीजिए मेरा आधार कार्ड का नंबर ABCDEF है, उसके बाद मैंने उसे डाला, 12 अंक का होता है आधार नंबर, आपने 12 अंक का आधार नंबर डाला, उसके बाद स्पेस का बटन दबाया और उसके बाद अपने पैन कार्ड का नंबर डाला और ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 5677678, इस पर आपको मैसेज कर देना है, आपका लिंक हो जाएगा इसके जरिए। इसके अलावा कैसे आप और लिंक कर सकते हैं उसकी भी एक प्रक्रिया है मेरे पास, मैं भी वो पढ़ के बता देता हूँ और ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप चंद मिनटों के अंदर इसे कर सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपने पास रखिए। आप सबसे पहले इनकम टैक्स की जो साइट है, IT इनकम टैक्स की, उस पर जाइए। वहाँ ऑप्शन है लिंक विद आधार कार्ड, उस पर क्लिक कीजिए। एक कैप्चा कोड मांगेगा और अब अपना आधार कार्ड जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे ये लिंक हो जाएगा। इस लिंक करने के बाद आप जो जुर्माना है उसे बचा सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आपने नहीं किया तो होगा क्या, होगा ये कि आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपके पास पैन कार्ड तो होगा लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अब जब आज के बाद कल आप इसका ऐसा करेंगे तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं या फिर जो और तमाम कामों में आपका पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है उसमें भी कई पेनल्टी का प्रावधान है। तो अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को मर्ज नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, और जब पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो बहुत सारी सुविधाओं से आप वंचित रह जाएंगे और आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो फटाफट से जाइए, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसे शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, ना केवल अपने पैसे बचाइए बल्कि अपने सहयोगी, अपने मित्रों, अपने दोस्तों के पैसे बचाइए। मैं था रवि और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। आप देख रहे थे J24/7 न्यूज़। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।